अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और वो कहते हैं ना, जब हमारा दिमाग पूरी तरह से बोर हो चुका रहता है तभी जाकर के सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है। और आज मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ दोस्तों। बेसिकली पटना में बहुत ही ज़्यादा लाइट वाइट कट रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, वीडियो पर फोकस नहीं कर पा रहा। लेकिन जब खाली बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में कुछ ऊट पतांग बातें आई। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर ऐसा करने से क्या होता है, क्या ऐसा करने से कुछ पॉजिटिव होता है या कुछ निगेटिव होता है। लेकिन जो भी हुआ है मैं उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो बेसिकली आज मैंने यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए अपने स्मार्टफोन के साथ और कुछ छोटे मोटे चीजों के साथ, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस को आप मिस कर जाएंगे। तो गाइस, जो सबसे पहला मेरे दिमाग में सवाल आया वो ये है कि अगर मैं USB-C to USB-C दो स्मार्टफोन को कनेक्ट कर दूं तो आखिर उसके बाद क्या होगा, क्या हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने दोनों ही के बीच में USB-C to USB-C केबल को लगा दिया एंड उसके बाद दोनों ही फ़ोन में दोस्तों प्रॉम्प्ट आया कि क्या आप इससे मीडिया फाइल ट्रांसफ़र में करना चाहते हैं या फिर फोटो ट्रांसफ़र में मोड में करना चाहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे ही मैंने मीडिया ट्रांसफ़र में किया, उसके बाद दो ऑप्शन आए कि आप इसे फोटोज़ एप्लीकेशन से खोलना चाहते हैं या फिर डाउनलोड्स एप्लीकेशन से। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन से खोलते हैं तो आपके फोन की सारी फोटोज वहां पे शो हो जाएंगी, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप डाउनलोड वाले चीज से खोलिए। जैसे ही अगर आप डाउनलोड पे टैप करेंगे तो आपके फोन की पूरी की पूरी डेटा जो है दूसरे फ़ोन पे आ जाएगी, यानी कि आप वहाँ पे जाकर के इजीली किसी भी फ़ोन के डेटा को दोस्तों आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बेसिकली दोस्तों आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजी वे बन जाता है अगर आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ढेर सारे डेटा को कॉपी करना है, जस्ट प्लग इन USB-C to USB-C। या फिर अगर आपको सिर्फ उसे फोटोज़ देखने हैं तो फिर मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जगह दोस्तों आप MTP की जगह PTP का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फोटो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं। तो एक छोटा सा ट्रांसफर का चीज था दोस्तों, जिसके बारे में आप सबको पता होगा। लेकिन फिर मैंने दूसरा इसके से टेस्ट ये किया कि अगर हम लोग USB टीथरिंग को ऑन कर दें, यानी कि दोनों ही फोन में लगा हुआ दोस्तों USB-C एंड अगर हम लोग किसी एक फोन में USB टीथरिंग को ऑन कर दें तब क्या होगा, क्या दूसरे फोन में इंटरनेट जाएगा। अगर ऐसा होता तो PUBG में पिंग का इशू खत्म हो जाता ना। मतलब कई लोग करते हैं कि PUBG वाले फोन में सिम नहीं रखते, वाईफाई से खेलते हैं, लेकिन कई बार वाईफाई जो है उतने अच्छे से काम नहीं करता तो वो लोग अपने फोन से टीथरिंग करते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट देते हैं। लेकिन अगर यही हॉटस्पॉट हम लोग यहाँ पे केबल से कर पाते दोस्तों, यहाँ पे USB टीथरिंग अगर फोन में चला जाता तो कितना ज्यादा ईजी हो जाता ना लाइफ। मतलब पिंग का भी इशू नहीं आता, फोन भी ज्यादा गर्म नहीं होता दूसरा वाला जिसमें हॉटस्पॉट ऑन है, एंड केबल के जरिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है हमें इंटरनेट मिलता। लेकिन दोस्तों अफसोस, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया कि USB टीथरिंग की तरह USB-C से दोस्तों हमारा चला जाए डेटा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि हम लोग लैन केबल को USB-C अडेप्टर में लगाते हैं तो वो दोस्तों फोन में इथरनेट केबल के थ्रू काम करता है, लेकिन USB टीथरिंग जब मैं किसी एक फोन में ऑन कर रहा था तो ऑटोमेटिकली जो वायर है दोस्तों वो डिसकनेक्टेड बता रहा था एंड वापस से मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर PTP का ऑप्शन जो है आ जा रहा था। सो सैडली दोस्तों, इसमें हम लोग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर मेरे दिमाग में कुछ और खुराफात आया एंड मैंने सोचा, जिस तरह से USB-C से USB-C दो स्मार्टफोन को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑक्स केबल से ऑक्स केबल को दो स्मार्टफोन को कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। तो गाइस, मैंने एक नॉर्मल सा ऑक्स केबल लिया एंड उसमें दोनों स्मार्टफोन को लगा दिया। दोनों ही स्मार्टफोन में साउंड नहीं आ रही थी। मतलब बेसिकली ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन एज अ हेडफोन ट्रेड कर रहा था, तो स्पीकर से तो साउंड बाहर आ नहीं रही थी। कुछ भी प्ले करो तो वो बिल्कुल ही म्यूट पे चल रहा था। तो बेसिकली अगर आपको दो फोन को म्यूट करना है तो आप ऑक्स केबल का यूज़ कर सकते हो। गंदा जोक हो गया ना ये। लेकिन दोस्तों, मेरे पास एक स्पेशल ऑक्स केबल भी है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई ऑक्स केबल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को ट्रांसफर करता है। लेकिन दोस्तों, एक 3 स्ट्राइप वाला ऑक्स केबल होता है, तो अगर आप नॉर्मल ऑक्स केबल देखेंगे तो उसमें 2 स्ट्राइप होगा, लेकिन इसमें जो है दोस्तों, ये जो स्पेशल ऑक्स केबल है इसमें 3 स्ट्राइप है। मतलब ये है कि ये माइक्रोफोन को भी ट्रांसफर कर सकता है दोस्तों, एक फोन से दूसरे फोन में। मतलब सिर्फ ऑडियो को नहीं, माइक को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये लगाने का फायदा ये हुआ कि जो दोनों ही स्मार्टफोन ने इस ऑक्स केबल को एज अ ईयरफोन या हेडफोन कह सकते हैं ट्रीट किया, जिसमें माइक्रोफोन लगा हुआ हो। तो इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। तो गाइस, अगर मैं किसी एक फोन में यहां पे म्यूजिक प्लेबैक कर रहा था तो दूसरे फोन में मैं रिकॉर्डर ऑन किया हुआ था एंड दूसरे फोन में जब रिकॉर्ड हो रहा था तो फर्स्ट फोन की म्यूजिक दूसरे फोन में रिकॉर्ड हो रहा था। मतलब ये दोस्तों कि म्यूजिक स्पीकर से नहीं बज रहा था, म्यूजिक वायर के जरिए दूसरे फोन में रिकॉर्ड हो रहा था एंड दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग टू नो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आपको किसी एक फोन की इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो। तो कई लोग पूछे हैं कि आखिर इसका यूज क्या है, आखिर ये पता लगा करके क्या तुमने न्यूक्लियर साइंस को एकदम से पूरा किल करके रख दिया। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट और मुझे जानना था कि आखिर होता क्या है ऐसा करने से एंड दैट्स व्हाई
आई डिड दिस, एंड ऐसा करने से ये हुआ कि एक फोन की इंटरनल ऑडियो दूसरे फोन में हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। वैसे इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, मुझे तो कोई यूज़ भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज आजकल सभी फोन में ऐसे ऑडियो रिकॉर्डर अवेलेबल है या फिर वीडियो रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल है जिसमें इंटरनल ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नो डाउट दोस्तों। तो इसका मुझे कोई खास यूज़ नज़र नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट दोस्तों मुझे जान करके अच्छा लगा कि एक फ़ोन की इंटरनल ऑडियो दूसरे फ़ोन में कैसे हमें रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ और चीज़ें ट्राई की जो कि बहुत ज़्यादा फेलियर रहा, लेकिन एक फाइनल चीज़ मैंने ट्राई किया दोस्तों, और वो है ये। आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले मैंने ये डॉली लिया था अपना वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। तो बेसिकली मैं इसे स्लाइड करके दोस्तों कोई भी वीडियो जो है पैन वगैरह बना सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर क्या होगा इसमें मैं इस्तेमाल करूँ एक मोटर को जो कि मी फैन के साथ में आता है। जी हाँ, MI का फ़ैन मैंने आज से 3-4 साल पहले बाय किया था दोस्तों, जो कि 250 रुपये में आता है। तो वो फ़ैन बेसिकली दोस्तों घूमता है, एंड सॉरी गाइज, मैं जब इसे रिकॉर्ड कर रहा था इसे सेटअप करते वक्त मैंने रिकॉर्ड बटन ही दबाना भूल गया, जिसकी वजह से दोस्तों इसका मेकिंग वीडियो नहीं बन पाया। बट कोई नहीं, ये बन चुका है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। तो मैंने बेसिकली दोस्तों इसमें एक मोबाइल का होल्डर लगाया है, एंड इस मोबाइल के होल्डर में दोस्तों मैंने अपना पावर बैंक को लगा दिया है, एंड नीचे में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे MI फैन गया हुआ है, एंड MI फैन का जो फैन है दोस्तों हमने बाहर निकाल दिया है, और जो मोटर है दोस्तों वो हमारे इसके व्हील में टकरा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम लोग इसे ऑन करते हैं, जैसे ही दोस्तों हम लोग ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एक चक्का है, एक व्हील है, वो घूमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो व्हील है दोस्तों वो इसे घूमने पे मजबूर कर रहा है। तो मैंने सोचा यार इतना धीरे धीरे इसका व्हील घूम रहा है, क्या ये टेबल पे रखूंगा तो चलेगा, क्या ये टेबल पे चलेगा? तो गाइस मैंने इसे टेबल पे रखा, एंड जी हाँ दोस्तों ये चलने लगा। मैंने सोचा क्या ये DSLR की वेट उठा पाएगा, तो जी हाँ मैंने इसमें DSLR भी लगाया, और इसे DSLR को लेकर के भी स्लो चला पर चलने लगा। एंड ये देख करके मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दोस्तों कि मैंने एक नॉर्मल मैनुअल स्लाइडर वाले डॉली को एक छोटे से गैजेट की मदद से दोस्तों यहाँ पे बना दिया एक ऑटोमेटिक स्लाइडर। और ऑटोमेटिक स्लाइडर जो आता है दोस्तों वो लगभग 10,000-15,000, नहीं शायद मैं कम ही बता रहा हूँ, 20-25,000 के ऊपर ही आता है। तो कुछ सैंपल शॉट्स मैं लेने की कोशिश करूंगा। मैं सच बताऊं अभी तक मैंने इसमें DSLR लगा करके सिर्फ चेक किया है, लेकिन सैंपल शॉट्स नहीं लिए, तो मैं सैंपल शॉट्स लेने की कोशिश करूंगा और आपको बताता हूं कि कैसा इसमें वीडियो आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही छोटी सी वीडियो नहीं, बहुत ही बड़ी वीडियो हो गई होगी क्योंकि मैंने बकवास काफ़ी ज़्यादा किया है, बट आज की जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत नॉर्मल, मेरा बोरिंग दिमाग का कुछ कहते ना खुराफाती दिमाग का कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे टेस्ट करना था ना, आप लोगों के सामने रिजल्ट लाना था। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा टेस्ट है लेकर के कि ऐसा करने से क्या होगा वैसा करने से क्या होगा, तो ज़रूर आप लोग मुझे बताना, एंड मैं कोशिश करूँगा वो सब टेस्ट करने की। थैंक यू, बाय बाय।